ऑल माई रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज का ये वीडियो स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स के लिए भी है और स्पेशली उन टीचर्स के लिए जो ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट एंड टीचर्स, हम सब ने शायद कभी न कभी एक बात सुनी होगी, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, मतलब शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। आज इस बात को प्रूव करने का मौका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। एचआरडी मिनिस्टर ने अभी 3 से 4 घंटे पहले एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है, विच इज विद्यादान 2.0, राइट। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों के लिए बहुत बेनिफिट है, स्पेशली स्टूडेंट आपके लिए, बिकॉज इस लॉकडाउन के चक्कर में जितना भी आपका लॉस हुआ है, कई हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फिल करने का ट्राई कर रही है। बिकॉज अभी क्या होता है, हर सब्जेक्ट हमको बहुत टेंशन लेना पड़ रहा है, कहाँ पे जाएं, कैसे जाएं, तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा और ये वीडियो मिलेगा, आपको प्रोग्राम मिलेंगे, प्रोजेक्ट मिलेंगे और इन सब प्रोजेक्ट को, इन सब कंटेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाईली एक्सपर्टाइज फैकल्टी उस कंटेंट को चेक करेंगे और तब आप तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। एंड टीचर्स की मैं बात करूं तो टीचर्स के लिए भी एक अच्छा मौका है कि अपनी एजुकेशन को एक सही वे में यूज करने का, आज वो सही मौका मिला है। हम क्या करते हैं, अगर यूट्यूब, बेसिकली मैं यूट्यूब टीचर्स की बात करूं या एकेडमी टीचर्स की बात करूं, हम वीडियो बनाते हैं या कोई कंटेंट देते हैं स्टूडेंट को, तो हम सिर्फ उन तक ही दे पाते हैं जो हमसे कनेक्टेड है या जो हमारा वीडियो देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपना यही वाला नॉलेज इस वेबसाइट में, इस वेब पोर्टल में डालेंगे, तो हो सकता है जितने भी स्टूडेंट अपनी ऑल ओवर इंडिया इसको यूज करेंगे, वो हमारा कंटेंट वो देख पाएंगे और उनको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो अब डिटेल बात करते हैं इस वेबसाइट के बारे में, क्या लॉन्च हुआ है, टीचर्स का क्या क्राइटेरिया है, स्टूडेंट को क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, वो सब हम डिटेल में देखते हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे ओपन होगा। इसका ओपन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ओपन कर सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो पेज डायरेक्टली ऐसे ओपन होगा, विद्यादान शेयर फॉर यू केयर, अ प्रोग्राम फॉर द नेशन एंड बाय द नेशन टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ क्वालिटी लर्निंग, मतलब आपके लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। उसके बाद फर्दर पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट को क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वीडियोज मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, टीचिंग वीडियोज मिलेंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग वीडियोज मिलेंगे, लेसन प्लान मिलेंगे। दैट मीन वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट आपको बिल्कुल क्लास जैसा प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश है और होपफुली जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो आप इंजॉय भी करेंगे इसको। अब बात करते हैं टीचर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, टीचर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, फ्रॉम क्लास 11, क्लास फर्स्ट टू ट्वेल्थ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, ये पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है, टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, आप आराम से बैठ के चेक कर लीजिए। कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं दिया गया कि किसी सब्जेक्ट के लिए या कुछ, किसी भी स्टेट का ही हो आप ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि सिर्फ सीबीएसई वाले ही करेंगे। आप स्टेट बोर्ड के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नीचे लाइन में, नीड ऑफ सेंटर ऑफ स्टेट यूटी ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉमिनेट योरसेल्फ टू द प्रोजेक्ट फॉर विच यू हैव रिलेवेंट कंटेंट। और ऐसा नहीं है कि आप अगर सिर्फ सेपरेट या इंडिविजुअल तो बना सकते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं तो आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता है। अब करना क्या होगा आपको, आपके लिए अच्छा एक डेमो वीडियो भी दिया हुआ है, हाउ टू कंट्रीब्यूट का ये डेमो वीडियो है, आप वेबसाइट पर जाकर डेमो वीडियो भी दे सकते हैं कि आप अपना नॉमिनेशन कैसे करवाएंगे। पहले इस नॉमिनेशन में आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उस फॉर्म फिल करने के बाद में आप जो भी आप चाहो तो वीडियो दे सकते हो, आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना के उनको दे सकते हो, आप क्वेश्चन फॉर्मेट दे सकते हो, बस किसी भी फॉर्म में आप हेल्प कर सकते हो और आप हेल्प करो। अभी नॉमिनेट करूंगी और आप भी जल्दी जल्दी नॉमिनेट करिए और बच्चों तक हेल्प पहुंचाइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक स्टूडेंट और टीचर्स आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और टीचर्स प्लीज, स्पेशली मैं आपके लिए फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बच्चों को हेल्प पहुंचाइए, बिकॉज सबसे बड़ा दान विद्यादान। विद्यादान, जय हिंद।